Do you have any questions to ask? So good morning, and any questions to ask so that accordingly I proceed. And फिर मैं आपको बताता हूँ, किसी को कुछ पूछनी है तो पूछिए. ओके, देयर आर थ्री थिंग्स बेसिकली जो मुझे कवर करनी है आप लोगों को सबके साथ में. बट वो अभी जो सिचुएशन, मतलब अभी जो है, संडे को जो सो आज मैंने क्लास रखी, तो उसमें हम उसमें से मैं एक या दो चीज देखता हूँ जैसे भी कवर होगी. बट आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, मुझे तीन चीजें आपको पढ़ानी है जो मैंने किसी को भी नहीं बताई है. एक तो जैसे मैंने उसके अंदर लिखा हुआ था अबाउट द वाउचर्स, वाउचर्स के बारे में मुझे आपको बताना, व्हाट आर वाउचर्स, क्या होते हैं और हम उनको क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, ऑल दोस थिंग्स. दूसरी चीज जो मुझे आपको बतानी है, दैट इज रिलेटिंग टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बेस क्या होता है अकाउंटिंग का. एंड थर्ड थिंग इज अबाउट जीएसटी, जीएसटी कैसे उसकी अकाउंटिंग करते हैं. जब आप जनरल एंट्रीज आपको पढ़ाई जाएंगे स्कूलों में, तो आपको जीएसटी भी बताया जाएगा, तो यू नीड टू नो अबाउट द जीएसटी एज वेल. तो अब भी मैं आपको पहले बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ, वो ले लें, बस छोटा सा. तो विल टॉक अबाउट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और फिर हम उसके बाद में थोड़ा बहुत जीएसटी कैसे काम करता है, हाउ जीएसटी वर्क्स, जीएसटी क्या होता है, इसके बारे में हम बैकग्राउंड समझेंगे. और जो वाउचर्स है वो मैं मे बी आपसे एक नेक्स्ट क्लास में एक और क्लास लेकर जॉइंटली हम कर लेंगे, ठीक है. दिस इज देयर. नाउ बिफोर आई प्रोसीड, आई जस्ट वांट टू नो कि इस मंथ में और कोई संडे के अलावा कोई छुट्टी आ नहीं रही है शायद. आई थिंक वी आर ऑल पैक्ड, ना जून जुलाई में बहुत कम छुट्टियां होती है, देयर इज नो स्कूल ऑफ ड्यूरिंग दिस डेज, ठीक है. ये चीज, ठीक है, ओके. Now, proceeding further, I start with some basis of accounting. पहले तो मैं आपको basis of accounting क्या है उसका एक बताना चाहूँगा, and then accordingly we'll go. Just a minute. Okay, yeah. Basis of accounting क्या होता है and what does it mean? ये वैसे तो देखा जाए तो first chapter का topic है, लेकिन मैंने इसको अलग से नहीं पढ़ाया था, और हम first chapter से बहुत आगे निकल गए हैं अभी तक, ठीक है. तो व्हेन आई से बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो इससे हमारा पर्पस ये होता है, व्हाट डज इट मीन इज दैट हाउ एक्चुअली आर वी गोइंग टू डिटरमाइन, हम बिजनेस का जो प्रॉफिट या लॉस है उसको हम किस बेसिस पे निकालने वाले, हम बिजनेस का प्रॉफिट लॉस किस बेस पे निकालने वाले. What is going to the base to calculate the profit or loss of the business? That is what the basis of accounting is. ठीक है? तो basically it deals with the determination of profit and loss. जब मैं आपसे बात करता हूं कि profit and loss निकालने का base है, कैसे निकाला जाएगा, तो उसके साथ में दो चीजें जुड़ेंगी. What is profit and what is loss? तो profit loss is derived from revenue and expenses. रेवेन्यू में से जब हम एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि हमारा पास बिजनेस में प्रॉफिट में है या बिजनेस में लॉस में. व्हेन आई सबट्रैक्ट एक्सपेंसेस फ्रॉम रेवेन्यू, इफ माय आंसर इज प्लस पॉजिटिव देन वी से प्रॉफिट, एंड इफ आई गेट एन आंसर विच इज नेगेटिव आई से लॉस. इसका मतलब यह हुआ कि जब हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की हम बात करते हैं तो हम बेसिकली हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को डिटरमाइन करने की बात करते हैं. हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कैसे तय करें, व्हाट आर रेवेन्यूज एंड व्हाट आर एक्सपेंसेस, हम कब रेवेन्यू को माने और कब एक्सपेंस को माने. मतलब ये बेसिकली बेसिस ये बताता है कि व्हेन वी शुड से कि बस व्हेन वी शुड रिकॉग्नाइज रेवेन्यूज, हम कब रिकॉग्नाइज कर लें कि रेवेन्यूज हो गई और कब हम रिकॉग्नाइज कर लें कि एक्सपेंसेस हो गए. बेसिकली ये रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस के रिलेशन में ये बातें करता है कि ये हम जब बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात कर रहे होते हैं तो हमको ये डिसाइड करना होता है कि व्हेन आर एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज, एक्सपेंस हो चुका है कब हम माने और कब हम माने कि रेवेन्यूज हो चुके. तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में वो सब चीजें की हैं,
कि कब हमने माना है कब. वी हैव ऑलरेडी डन दिस प्रैक्टिकली इन क्वेश्चंस, बट नाउ वी चूज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थ्योरेटिकली व्हाट डज इट मीन. सो एनी क्वेश्चंस हियर सो फार, एनी क्वेश्चंस हियर सो फार. किसी को कोई चीज पूछनी है तो पूछिए मेरे से. तो मैं आपसे बेसिकली अभी तक जो मैंने आपसे बातें कही हैं, मैं आपसे ये कहने जा रहा हूँ, मैं फिर से रिकैप करके आगे बढ़ रहा हूँ. What I have told you so far is that we are going to recognize, what we are going to discuss is, we are going to discuss first the basis of accounting. Accounting का base क्या है, हम किस base पे accounting कर रहे हैं. और मैंने आपसे कहा ये basis of accounting कुछ और चीज नहीं है, बाकी ये basically इस बात पे focus करता है कि हम बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस हम कब निकाल सकते हैं, कैसे, कब बिजनेस को प्रॉफिट है, कब बिजनेस को लॉस है. और ये बिजनेस का प्रॉफिट लॉस है ये बेसिकली डिपेंड करता है रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस, क्योंकि रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस इज प्रॉफिट, एंड इफ रेवेन्यूज आर मोर देन एक्सपेंसेस देन इज प्रॉफिट, इफ रेवेन्यूज आर लेस देन एक्सपेंसेस देन लॉस. सीधी सी बात. तो बेसिकली ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग टेल्स अस व्हेन शुड वी से कि रेवेन्यू हो गई एंड व्हेन शुड वी से एक्सपेंस हो गए, दैट इज व्हाट इट इज मींस. ठीक है, ओके. नाउ व्हेन वी से बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, देयर आर टू बेसिस फॉर इट, उसके दो बेसिस हैं, दो तरीके. वन इज कैश, सॉरी, वन इज कैश बेसिस, और दूसरा है अक्रूअल बेसिस. एक कैश बेसिस है और एक अक्रूअल बेसिस है. ये तो बेस है जिनके आधार पर हम रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. When we can say yes, revenues have been in, earned or expenses have been incurred, हम जब कह सकते हैं revenues हमने earn कर लिए और expenses incur कर लिए, दो base है उसके, cash basis and accrual basis. Cash basis क्या कहता है? Cash basis ये कहता है कि cash receive हुआ अगर हमें, जब भी हमें cash मिला, आप उसको revenue मान लो. मतलब क्या? मतलब ये कि हमने कोई गुड्स सर्विसेज बेची है और पैसे नहीं आए, तो कैश बेसिस कहता है उसको रेवेन्यू में मत गिनो, पैसे नहीं आए तो मतलब क्या, पैसे आ जाए तो रेवेन्यू. और उसी ढंग से कैश बेसिस ये कहता है ये रेवेन्यू हो गई हमारी. वो ये कहता है कैश आपने पे कर दिया, तो वो हमारे एक्सपेंसेस हो गए. बस सीधी सी बात, सैलरीज नहीं दी तो वो एक्सपेंस में नहीं गिना जाएगा. सैलरीज हमने अभी हमको नहीं मिली, कुछ इनकम नहीं हुई, तो वो इनकम रेवेन्यू नहीं मिली, तो वो रेवेन्यू में नहीं गिना जाएगा. मतलब कैश बेसिस हमसे कहता है प्रीपेड हमने किया हुआ है, आउटस्टैंडिंग किया हुआ, अनपेड किया हुआ कि अभी नहीं मिला ये अनपेड है. ये ऐसा कुछ नहीं होता. जो मिल गया रेवेन्यू वो समझो रेवेन्यू, जो नहीं मिला वो रेवेन्यू नहीं है. जो एक्सपेंसेस आपने पे कर दिया वो एक्सपेंस, जो एक्सपेंस आपने नहीं पे किया वो एक्सपेंस नहीं है. भूल जाओ, वो जब दोगे तब ले मान लेना, अभी मत मानो उसको. ऐसा कहता है कैश बेसिस. और एक्रुअल बेसिस क्या कहता है? एक्रुअल बेसिस कहता है कि अगर सर्विसेज दे दी है अपन ने, सर्विसेज रेंडर, हमने सर्विसेज दे दी सामने वाले को, तो वो हमारी रेवेन्यू हो गई, भले पैसे मिले हो नहीं मिले हो इससे मतलब नहीं है. और अगर हमने सर्विसेज यूज कर ली तो वो एक्सपेंसेस हो गए, भले हमने पैसे दिए हो या नहीं दिए. ठीक है, किसी के चू चाक, किसी कुछ आवाज ही नहीं निकल रही, क्या मतलब है? कोई हाँ ना कुछ तो बोलो यार, ये क्या मतलब है? व्हाट इज दिस, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट्स? सब एकदम यस सर, यस सर. किसी को बीच बीच में आपको रिस्पॉन्स करना होता है. आई शुड नो दैट देयर इज स्टूडेंट्स सिटिंग इन द क्लास. ठीक है, तो ये बताइए इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जो तो अभी मैंने बताया? ठीक है, नो सर, नो सर, नो सर. ओके, नाउ आई एम पुटिंग अप सम क्वेश्चंस एंड लेट मी सी हाउ इट गोस.
Coming to this is on basis of accounting. Cash basis and accrual basis. दो basis. Sir. हाँ. Sir, अगर अपन advance में किसी को pay करते हैं तो वो accrual basis में आएगा ना? Advance अगर हमने pay किया है तो वो accrual basis कहता है कि services तो मिली नहीं आपको तो वो एक्सपेंस नहीं है, लेकिन कैश बेसिस कहता है एडवांस दे दिया तो मतलब क्या, आपने कैश दे दिया ना तो खर्चा जो अभी जोड़ लो उसको, दैट इज व्हाट द बेसिस. दोनों में डिफरेंस है. कैश बेसिस कहता है पैसा आपने दे दिया तो आपका एक्सपेंस हो गया, वो भले आपने सर्विसेज ली नहीं. मान लो अभी चल रहा है हमारा जुलाई, मैंने किसी को अगस्त की सैलरी दे दी स्टाफ को, तो कैश बेसिस कहता है वो जुलाई की ही एक्सपेंस हो गया, अगस्त का नहीं इसी महीने का एक्सपेंस हो गया. लेकिन एक्रुअल बेसिस कहता है कि आपने भले ही जुलाई में पैसा दे दिया लेकिन वो अभी आपने सर्विसेज ली नहीं है तो अभी आप उसको एक्सपेंस में मत गिनो. तो कैश बेसिस ओनली कैश रिसीव्ड एंड कैश पेड की बात करता है, नो अदर एडजस्टमेंट. ओके सर. तो अंडर दिस कैश बेसिस व्हाट वी नो इज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन पेमेंट इज मेड. जब हम पेमेंट कर रहे होते हैं तब ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है. एंड रिसीव्ड, जब ट्रांजेक्शन हमने पेमेंट कर दिया या पेमेंट मिल गया तब हम लिखते हैं. एंड नॉट व्हेन रिसीट और पेमेंट बिकम्स ड्यू. मतलब ड्यू वाली चीज कैश बेसिस में है नहीं, कैश बेसिस में ड्यू वाली चीज नहीं होती. देयर इज नथिंग लाइक ड्यू. जब पेमेंट इज मेड एंड रिसीव्ड बस कैश बेसिस कहता है उसको रिकॉर्ड करो. जब ड्यू हुआ, मिलना ड्यू हुआ या पे करना ड्यू हुआ, उससे ड्यू से मतलब नहीं, नथिंग लाइक ड्यू. क्या दिया बताओ और क्या मिला. Revenues are recorded when payments are received. बस जब मिल गया तो revenue. Expenses are recorded when payment is made. जब payment कर दिया तो expense. इसके अंदर cash basis के अंदर credit transactions को record नहीं करते. हम credit transactions को मानते ही नहीं है कि वो हुए. और जो profit loss आता है वो basis of revenue received जो हुई है और expenses pay हुए उनके basis पे हम निकाल लेते हैं. Outstanding, prepaid, accrued, unaccrued revenues and expenses are not recorded. Cash basis पे ये सब कुछ नहीं होता. Accrued, outstanding, prepaid और ये बोले ये सब क्या है, ये सब कुछ नहीं. अब सवाल उठता है कि ये सिस्टम फॉलो होता है क्या दुनिया में. हाँ होता है. Excuse me sir. Yeah, बोलिए. Sir, prepaid and unaccrued should be recorded. No, like we gave cash and we got cash. No. Prepaid का मतलब क्या होता है? जब भी मैंने example दिया. We give a salary of August to someone in July. That is prepaid. Are you getting yes, the point? Yes, so. एक second. मैं आपको एक चीज समझाता हूँ. देखिए, आपने क्या करते हैं? Let me come back to accounting question. आप उसको समझ जाओगे. हम उसी अपने five column approach से चल रहे हैं. That is, I feel much more scientific. मैंने cash दिया. ठीक है, prepaid. तो हम क्या करते हैं? कैश एंड प्रीपेड. मैंने सैलरी एडवांस दी किसी को, जुलाई की सैलरी, अगस्त की सैलरी अभी दे दी, तो हम क्या करेंगे? कैश के अंदर हम माइनस कर देंगे. सपोज 5000 दिए तो कैश में माइनस कर देंगे और प्रीपेड में ऐड कर देंगे. हम ऐसे ही करते थे. किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नो डाउट सर. नो सर. लेकिन हाँ हाँ बोलिए. एनी क्वेश्चन? एक्रुअल बेसिस के हिसाब से तो ये होगा. ये एक्रुअल बेसिस के हिसाब से कैश बेसिस क्या कहेगा? कैश बेसिस कहेगा आपने कैश पे किया है ना, बस उसको एक्सपेंस मान लो. प्रीपेड क्यों मान रहे हो? व्हाई प्रीपेड? कैश दे दिया ना, सैलरी दे दी ना तुमने, भले अगस्त की दियो, सितंबर की दियो, चाहे अगले साल की दे दियो, दे दी एक्सपेंस. तो कैश में माइनस एक्सपेंस में प्लस. ये कैश बेसिस कहता है भाई ये प्रीपेड जैसी कोई चीज नहीं होती. अगस्त की सैलरी दे दी तो उसको अभी से खर्चा लिख लो, खत्म बात, भूल जाओ बात. दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन cash basis and accrual basis. Okay, so got it. Accrued का एक, ये तो expense का हुआ. अब accrued का एक system ले लेते हैं. अच्छा, expense में एक चीज और करते हैं. पर expense में एक adjustment. ये तो मैंने आपको जो दिखाया ये prepaid का दिखाया. Prepaid expenses का, जिसको हम accrual basis में prepaid कहते हैं. अब हम एक और चीज देखते हैं. मैं इसी के अंदर इसके एक इस इमेज ले लेता हूँ. ठीक है, हाँ, we save this. दूसरा ये accrual basis है, ये बहुत ध्यान दीजिएगा. This is what accrual basis is and this is what cash basis is. ठीक है, cash basis कहता है prepaid, prepaid नहीं है, सब expense.
अब एक उसका उल्टा लेते हैं, अनपेड एक्सपेंसेस, जिसको हम अनपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। अनपेड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने पे नहीं किए। तो एक्रुअल बेसिस क्या कहता था? एक्रुअल बेसिस कहता था कि भाई अगर एक्सपेंसेस हमने पे नहीं किए हैं तो एक्सपेंस में तो गिनो और उसको लायबिलिटी में गिनो। बात समझ में आई? ये एक्रुअल हमने किया है ना, ये हमने yes, हाँ। कैश बेसिस क्या कहता? कैश बेसिस कहता भाई इसको रिकॉर्ड ही मत करो, अभी दिया नहीं ना तो लिखना ही क्यों, क्यों लिखना, अभी तो दिया तो है नहीं कुछ, जब दो कहता लिख लेना। तो मैं कैश बेसिस वाले से पूछता हूं, भाई मेरे ये बता कि अगर मैंने किसी को जून की सैलरी नहीं दी, जुलाई आ गया, जुलाई भी खत्म होने को आ गया, जून की सैलरी नहीं दी और अब मैं दोने वाला हूं एक दो दिनों, तो तू ये बता मेरे को कि एक्सपेंस में जून का मानू कि जुलाई का मानू? वो बोले जब तू देगा तब मान लेना, अभी मत मान। तू बात समझ आ गई? जब तू देगा तब मान लेना, अभी मत मान उसको। कहां प्रीपेड कहां आउटस्टैंडिंग ये सब चक्कर में मत पड़, जब देगा तब खर्चा मान लेना। That is what outstanding is. That is what cash basis is. That is what cash basis is. तो cash basis तो कहता है कि unpaid expense को लिखने की जरूरत ही नहीं है, अभी unpaid ही है ना, अभी दिया थोड़ी है, unpaid है, मत दिखा उसको। That is what cash basis says. I hope you getting this point. Yes, sir. Yes, sir. मेरी point बात समझ आ रही है, ये unpaid। अब मैं आता हूँ accrued and unaccrued revenue. अब expenses की बात हो, revenue की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। Let us talk about revenues also. Accrued revenues. Accrued revenues का मतलब होता है earned बट नॉट रिसीव्ड। कमा तो लिया लेकिन मिला ही नहीं है, मिला नहीं है। तो एक्रुअल बेसिस कहता है कि भाई रेवेन्यू हो गई ना तो रेवेन्यू में ऐड करो, रेवेन्यू हो गई रेवेन्यू में ऐड करो, ठीक है और क्या करना है? वो कहता है रेवेन्यू हो गई तो रेवेन्यू में उसको ऐड कर दो, लेकिन अभी मिली नहीं है तो हम क्या करते थे, एसेट्स के अंदर एक कॉलम बनाते थे अक्रूड इनकम का, क्योंकि वो हमारी एसेट है, हमें मिलना है, जिससे मिलना है वो डेटर है। तो अक्रूअल बेसिस कहता है अक्रूड इनकम को एसेट में ऐड कर दो, अक्रूड इनकम और रेवेन्यू में ऐड करो, मतलब उसको रेवेन्यू मान लो। अच्छा एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ, आप अकाउंटिंग के अंदर ये चीजें बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एक बड़ी मिस्टेक होती है। मैं accrued इनकम तब तक नहीं मान सकता जब तक कि मैं उसको रेवेन्यू नहीं मानू। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई पहले तो मुझे बताइए। ये समझ में नहीं आएगी एकदम से, मैं बताता हूँ आप क्यों नहीं समझ में। हम अकाउंटिंग क्वेश्चन की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर मैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में ऐसी बात कोई बोली जाती है कि उसको रेवेन्यू रिकोगनाइज कर लो, रेवेन्यू रिकोगनाइज कर लो मतलब होता है रेवेन्यू में ऐड कर दो, ये मतलब होता है रेवेन्यू रिकोगनाइज करने का। लेकिन अगर हमें मिली नहीं है तो मैं अगर रेवेन्यू में ऐड करूंगा तो मुझे एसेट में एक्रूड इनकम में भी तो ऐड करना पड़ेगा, तभी तो मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करेगी। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर। यस। तो यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का मतलब यह है कि एक्रूड में भी जोड़ो और रेवेन्यू में भी जोड़ो। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ रेवेन्यू में जोड़ दो ना, रेवेन्यू में तो जोड़ना ही पड़ेगा, एक्रूड में भी जोड़ना पड़ेगा, तब जाके दोनों मैच करेगी। ये बात आपको समझ, दोनों में ही जोड़ना पड़ेगा आपको, रेवेन्यू में भी जोड़ना पड़ेगा और एक्रूड इनकम में भी जोड़ना पड़ेगा, तब जाएगी। उसको कहते हैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना, एक में जोड़ने से थोड़ी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगी, अकाउंटिंग क्वेश्चन ही टेली नहीं होगी हमारी। तो रेवेन्यू में जोड़ने का मतलब है कि एक रेवेन्यू उसको एक्रूड इनकम में मानो। तो एक्रूअल बेसिस ये कहता है कि भाई आपने सर्विसेज दे दी ना तो उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो मतलब रेवेन्यू में जोड़ दो, तो मिली नहीं है तो accrued income में भी अपने को उसको जोड़ना पड़ेगा, तो दोनों साइड जोड़ना पड़ेगा। That is what the accrued revenues mean. लेकिन cash basis क्या कहता है? Cash basis ये कहता है, भाई मिली है क्या? पैसा मिल गया क्या तेरे को? नहीं मिले ना तो छोड़, भूल,
भूल जाओ उसको, भूल जाओ, जब मिलेंगे तब देख लो। तो एक्रू कैश बेसिस कहता है कि रेवेन्यू में मत जोड़ो, कब तक, जब तक नहीं मिले, जब तक नहीं मिले, दैट इज व्हाट द कैश बेसिस इज, दैट इज व्हाट द कैश बेसिस इज। बताइए बताइए बताइए, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन इन दिस पॉइंट? नो सर, नो सर। ओके, अच्छा ये उससे हो रहा है ना, बस ठीक है ठीक है, जस्ट अ मिनट, इसको देखना। अब एक और, एक इसके अंदर एक फोर्थ आइटम और है, अनअक्रूड रेवेन्यूज, मतलब रेवेन्यू मिल गई लेकिन अर्न तो की नहीं है। अनअक्रूड रेवेन्यूज मतलब रिसीव्ड बट नॉट अर्न, रेवेन्यू रिसीव तो हो गई लेकिन अभी तक हमने अर्न नहीं की है, रिसीव्ड बट नॉट अर्न। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, हम लायबिलिटीज के अंदर एक कॉलम बनाएंगे अर्न अर्नड रेवेन्यू। एक्रुअल बेसिस क्या कहेगा कि कैश में ऐड कर दो और अर्न अर्नड रेवेन्यू में ऐड कर दो। अनअक्रूड है ना रेवेन्यूज, अभी अर्न तो हुई नहीं, मिली तो अर्न अर्नड, कैश मिल गया ना तो कैश में तो ऐड करो और अर्न अर्नड रेवेन्यू में ऐड करो। और कैश बेसिस क्या कहता है? कैश बेसिस कहता है भाई कैश तो मिल गए ना तो अर्न अर्नड क्या, अर्न अर्नड जैसी कुछ चीज नहीं होती, उसको रेवेन्यू मान लो अभी से, अभी से रेवेन्यू मान लो। तो मुझे कुछ सर्विसेज देनी है अगस्त में सितंबर में, मुझे पैसे अभी से मिल गए, अभी मिल गए, तो कैश बेसिस कहता है टेक इट एज रेवेन्यू नाउ इटसेल्फ, अभी उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो, टेक इट एज रेवेन्यू नाउ इटसेल्फ, अभी का अभी उसको रेवेन्यू मान लो। दिस इज व्हाट इट हैज, दिस इज व्हाट इट हैज। समझ गया है कि आपके बात? यस सर। Any confusion, any doubt, anybody? इस अभी मैंने जो चार example दिया आपको, prepaid, outstanding, accrued and unaccrued, इनको समझिए थोड़ा सा। किसी को कोई चीज पूछनी है इसके अंदर? No sir. आपको जो लोग हैं भी मुझे पकड़ना पड़ेगा, आपको you have to be participative in the class. मैंने अगर आपसे अभी insist नहीं किया है कि आप video on करें तो इसका मतलब ये नहीं कि you are not participating. Everybody has to be here and here itself. मैं भी वहां बैठा हूं, make sure that you are also there. ठीक है? And then, for example, if salary rupees 7,000 of January 2020 is paid in February 2020, it would be recorded in the books of accounts only in February. हम उसको सिर्फ February में ही मानेंगे. ठीक है? हमने salary दी है ना 7,000 rupees की, जनवरी की, पे किया का फरवरी में, तो बुक्स के अंदर वो हम फरवरी में ही रिकॉर्ड करेंगे, जब हमने पे किया तब, जब पे नहीं किया तब से मतलब नहीं है। इसी ढंग से जब पेमेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर इन मार्च, मार्च में कस्टमर से पेमेंट मिल गया, किस चीज का? फॉर सेल्स मेड इन फरवरी, फरवरी में सेल्स की थी उसका पेमेंट मार्च में मिला, एक महीने बाद मिला, तो वो रेवेन्यू कब मानी जाएगी? मार्च में मानी जाएगी, तो वो रेवेन्यू मार्च में मानी जाएगी। जब मिलेगा तब रेवेन्यू मानेंगे और जब हम पे करेंगे तब एक्सपेंस मानेंगे, सीधी सी बात। इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस इसका ये है कि ये सबसे सिंपल तरीका है, बहुत आसान, ना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं करना, एडजस्टमेंट माने प्रीपेड आउटस्टैंडिंग वाले सोचना ही नहीं है, और इसके अंदर किसी का पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल जजमेंट भी नहीं आएगा कि मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। भाई मिल गया पैसा तो मान लो, नहीं मिला तो मत मानो, बस सीधी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। और ये ऐसे ट्रांजेक्शन्स के लिए ज्यादा, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ज्यादा सुटेबल है जो ज्यादातर काम जिनका कैश में होता है, जो क्रेडिट में बिजनेस करते हैं उनका नहीं, जो कैश में करते हैं उनका। और दूसरा इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो सिस्टम है ये बिजनेस का, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ये बिजनेस का सही प्रॉफिट लॉस नहीं बताता, सही नहीं बताता।
दिस इज नॉट राइट वे टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस. अगर अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हैं तो अगर कैश के ही सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, बिजनेस क्रेडिट ट्रांजेक्शन बहुत थोड़े से करता है, तब तो चलो कोई बात नहीं, आप कैश बेसिस में निकाल लो. लेकिन आपके क्रेडिट के ट्रांजेक्शन, आप क्रेडिट में गुड्स बेचते हो, क्रेडिट में सर्विसेज बेचते हो, है ना, ये सब करते हो, तो उस केस के अंदर आपके लिए एक्रुअल बेसिस ज्यादा सही. दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि कंसिस्टेंसी नहीं है. मतलब एक साल आपने कुछ चीज निकाल ली, एक साल कुछ निकाली, एक साल रेवेन्यू कुछ ज्यादा है, एक साल कम आई, तो हम बिजनेसेस को कंपेयर नहीं कर पाते. एक बिजनेस को ओवर द इयर्स हम कंपेयर नहीं कर पाते, पिछले साल से इस साल, इस साल से नेक्स्ट ईयर, ऐसा हम कोई कंपेरिजन नहीं ले पाते. तो ये सब चीजें थोड़ी सी अपने को देखनी है, ठीक है, ये सब चीजें हमें देखनी है. तो ये हमारा कैश बेसिस था. कोई क्वेश्चन, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? Moving to accrual basis pe aa raha hu. Under this method, revenues and costs are recognized in the period in which they occur. Jis period mein hum occur karte hain, hum unko incur karte hain, us period mein hum usko revenues aur costs mante hain. Or become due rather than they are paid. Ya occur karte hain, we occur them, matlab humne kiye expenses, bhale humne cash diya nahi diya. Ya wo due ho jate hain. जब हमको कहते हैं वो ड्यू हो जाते हैं, देन वी कंसीडर देम एज एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज. उस समय ही हम उसको रेवेन्यूज एक्सपेंस मानते हैं. इट मींस, इसका मतलब ये हुआ, इट रिकॉर्ड्स द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस इनटू बुक व्हेन दे आर अर्नड रादर देन इन द पीरियड इन व्हिच द कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड. मतलब रेवेन्यूज जब हमने अर्न कर ली तो रेवेन्यू हो गई. इसका मतलब ये नहीं कि जब मिली तब, जब अर्न कर ली तब. और इसी ढंग से रेवेन्यूज are recorded when jab hum transactions ko tab record karte hain books ke andar jab humne wo due ho gaye, humko chahe lena ho ya humko dena ho. Aur revenues ko hum tab record karte hain jab humne sales ki ya services de di samne wale, bhale payment mila ho ya nahi mila ho. Payment nahi bhi mila ho to bhi chalega, lekin sales ki hai, services de di, to wo hamari revenues ho gayi. Theek hai, that is what it is. एक्सपेंसिज आर रिकॉर्डेड जब हम एक्सपेंसिस कब रिकॉर्ड करते हैं, जब बेनिफिट्स हमने रिसीव कर लिए, हमने सामने वाले से काम कराया, बेनिफिट्स रिसीव किए, तो एक्सपेंस हो गया. भले ही और पेमेंट ड्यू हो जाता है, उसी समय पेमेंट ड्यू हो जाता है. हम ये तो नहीं देखते कि पेमेंट किया है कि नहीं किया, दैट वी डोंट सी. हमने बेनिफिट रिसीव किया, एक्सपेंस हो गया. और इसके अंदर एक्रूअल बेसिस के अंदर हम आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड, इनको मानते हैं. कैश बेसिस में नहीं मानते, हम तो मानते ही नहीं कोई अक्रूड जैसी कोई चीज होती है, आउटस्टैंडिंग जैसी कोई चीज होती है. प्रीपेड कोई होता ही नहीं है, दिया तो एक्सपेंस बस, तो ये सब यहाँ मानते हैं. तो यहाँ पर एक्रूअल बेसिस पे प्रॉफिट लॉस कैसे आता है? डिफरेंस बिटवीन इनकम अर्न, जो आपने इनकम अर्न की है, और एक्सपेंसेस इनकर्ड की है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है या लॉस है. और यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो होता है. मैचिंग प्रिंसिपल, मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल में आपको बताया था, इस साल के एक्चुअल की रेवेन्यू निकालिए जो आपने अर्न कर ली है, भले मिली या नहीं मिली, और इस साल के एक्चुअल एक्सपेंसेस निकालिए. और ये जो मेथड है ये वर्ल्ड ओवर फॉलो होती है सब जगह. फॉर एग्जाम्पल, रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड, जो रॉ मेटेरियल कंज्यूम हुआ वो हम मैच करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बेचे उनकी कॉस्ट, और है ना, और उसको हम मैच करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से, और वो हम प्रॉफिट वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं. अब जैसे यहाँ एग्जांपल दिया, सैलरी जनवरी की थी, हमने फरवरी में पे की, तो वो सैलरी जनवरी की मानी जाएगी, ठीक है, उसको हम फरवरी की नहीं मानेंगे. अब इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ये है कि साइंटिफिक है, लॉजिकल है, ये सारा लॉ के द्वारा, जो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट है या इंडियन कंपनीज एक्ट है, वो इसी मेथड को फॉलो करता है, कैश बेसिस को नहीं फॉलो करता. ये बिजनेस का सही प्रॉफिट लॉस निकालता है, ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है. डिसएडवांटेजेस क्या है? ये कैश की तरह सिंपल नहीं है, कैश बेसिस बहुत सिंपल, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है. पर्सनल जजमेंट, किसी की अपनी अपनी राय हो सकती है. कोई एक अकाउंटेंट कह सकता है ये रेवेन्यू हो गई, एक कह सकता है नहीं हुई, ठीक है. ये एक्रूअल बेसिस जो है समझने के लिए थोड़ी हायर लेवल ऑफ अकाउंटिंग आनी चाहिए. मतलब आदमी को अकाउंटिंग आनी चाहिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आने चाहिए, तब वो एक्रुअल बेसिस कर सकता है. हर कोई एक्रुअल बेसिस नहीं कर पाएगा. कैश बेसिस में तो आपका, आपने अकाउंटिंग नहीं भी पढ़ी हो तो भी आप कर लोगे, लेकिन एक्रुअल बेसिस के लिए आपको अकाउंटिंग आना जरूरी है, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस की जानकारी होना जरूरी है, तभी आप एक्रुअल बेसिस से अकाउंटिंग कर पाएंगे.
कैश बेसिस अक्रूअल बेसिस का दोनों का डिफरेंस, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड पेड व्हेन, इसको एक बार आप पढ़ लीजिए सबसे पहले फटाफट सबको, और इसमें कोई डाउट हो तो पूछे मेरे से। Excuse me, sir. हाँ. So can you explain third point? Yes, capital and revenue items. Yes. Capital and revenue items क्या होते हैं? What are capital items and revenue items? Good. ये एक point था उसके अंदर जो clear नहीं था. हमने दो तरह के एक मैंने आपको बताया था कि expenses expenditures होते हैं. That is what you must be remembering. कि there are two types of receipts and two types of payments, expenditures. एक होती है revenue receipts और एक होती है capital receipts. Receipts हमारे दो तरह की होती है, revenue receipts and capital receipts. रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है? रेकरिंग, हमारी रेवेन्यू, हम जो रेगुलर बेसिस पे अर्न करते हैं वो रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स का मतलब हमने कोई एसेट बेची, लोन लिया, वो कैपिटल रिसीट्स कहलाती है। ठीक है, ये हर साल होने वाली चीज, ये हर साल होने वाली चीज नहीं है। एक्सपेंडिचर्स भी इसी टाइप से होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। आई विल टेक दिस पॉइंट, मैं काम करता हूँ, मुझे आज वो अकाउंटिंग टर्म्स का एक पॉइंट थोड़ा सा बचा है, मैं उसके अंदर ले लेता हूँ। देयर आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन मच मोर डिटेल। Just hold for a few minutes, ठीक है? Okay sir. Just hold this point for a few minutes. वहाँ पे मैं इस point को cover कर दूँगा जो आपने पूछा, ठीक है? अभी मैं वो ले लेता हूँ instead of anything else. तो point भी clear हो जाएगा। और ये बताइए इसके अंदर except और कोई difference between cash and accrual basis पे किसी को लग रहा हो? No sir. Okay. अब हम थोड़ा से legality की हम बात कर लेते हैं। Legally cash system follow नहीं होता है और accrual basis follow होता है। Suitability, छोटा business है, cash basis पे ज्यादा काम करता है, professionals हैं, जैसे doctors हैं, engineers हैं, CA हैं, teachers भी हो सकते हैं, coaching वाले भी हो सकते हैं, वो cash basis follow कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत। लेकिन बाकी जो business है, जहाँ पे goods खरीदते बेचते, वहाँ पे आपको accrual basis ही लेना पड़ेगा, आप cash basis पे नहीं कर पाओगे। आपने किसी को गुड्स उधार में बेच दिया, अब आप कैश बेसिस तो कहता है उसको मानो ही मत, तो गया कहाँ गुड्स पे? नहीं माने तो गुड्स गए कहाँ? गुड्स तो थे, बिक गए। तो एक्रुअल बेसिस ही आपको फॉलो करना पड़ेगा, वहां आपके पास कोई रास्ता है ही नहीं। एक चीज मैंने यहाँ नहीं लिखी है, आई नीड टू मेंशन दैट, एक्रुअल बेसिस को हम मर्केंटाइल सिस्टम भी कहते हैं। ये एक बहुत कॉमन है, आई मिस्ड आउट दैट पॉइंट टू राइट हियर। जब हम एक्रुअल बेसिस की हम बात करते हैं तो accrual basis is also called as mercantile system. Accrual basis is also called as mercantile system. Mercantile system भी कहा जाता है, ठीक है? This is it. So ये चीज हो गई हमारी, this is accrual basis. Then moving further. अब एक और सिस्टम है जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड, दोनों का कैश बेसिस भी है उसके अंदर एक एस्पेक्ट, और एक एस्पेक्ट उसमें एक्रुअल बेसिस भी है। तो ये हाइब्रिड सिस्टम क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैश बेसिस एंड एक्रुअल बेसिस। अंडर दिस बेसिस इनकम्स आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस। इसमें इनकम तो हम कैश बेसिस पे मानते हैं और एक्सपेंसिस को हम एक्रुअल बेसिस पे मानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये सिस्टम फिर भी थोड़ा सा एक्सेप्टेबल है। भाई आपको किसी को देना है, मुझे किसी को सैलरी देनी है जून की, नहीं दी है, तो मुझे, मैं उसको आउटस्टैंडिंग मान रहा हूं, आउटस्टैंडिंग मान रहा हूं, अनपेड मान रहा हूं, ठीक है? लेकिन अगर मुझे नहीं मिली है रेवेन्यू तो मैं उसको नहीं मान रहा हूं, मिल जाएगी तो ही मानता हूं। तो रेवेन्यू के केस में वो तो कैश बेसिस ले लेते हैं कि जब मिली तब रेवेन्यू, नहीं मिली तो मत मान। लेकिन एक्सपेंसेस के केस में वो एक्रुअल बेसिस को फॉलो करते हैं।
इज दैट ओके? ये चीज क्लियर हो गई? हाइब्रिड सिस्टम, हाइब्रिड बेसिस समझ में आ गया आपको? यस सर। हाइब्रिड के अंदर दोनों का मिक्स है। तो यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर हम क्या चीज देख रहे हैं? इनकम्स आर रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड दे आर रिसीव्ड, जिस साल रिसीव होते हैं उस अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉग्नाइज होते हैं, वेदर अर्न और नॉट, चाहे वो हमें अर्न हुए हो या नहीं अर्न हुए। एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज, और एक्सपेंसेस तब रिकॉग्नाइज होते हैं जब इनकर होते हैं, खर्च हो गए, चाहे हमने उनको पे किया हो चाहे नहीं पे किया हो। तो ये जो सिस्टम है हमारा कंजर्वेटिव अप्रोच रखता है कि भाई इनकम मिली तो ही मानो, नहीं मिली तो मत मानो, लेकिन खर्चे देने हैं ना तो उसको मान लो अभी से, अभी नहीं दिए तो भी मान लो उनको। तो ये इनकम को तो नहीं मानता लेकिन एक्सपेंस को मानता है, वो कहता है भैया जो रिस्क होने वाली, जो देना है उसको तो मान लो लेकिन जो मिलना है उसको भी मत मानो। तो कंजर्वेटिव, बहुत सोच समझ के है ना, ज्यादा अपने आप को बढ़ा चढ़ा के नहीं, सिंपल। इसके अंदर पर्सनल जजमेंट्स और ओपिनियंस नहीं है, किसी की व्यक्तिगत राय वगैरह कुछ नहीं है। इट इज सिंपल टू फॉलो व्हेन बिजनेसमैन वांट्स अ सिंपल मेथड, जब सिंपल चाहिए तो फॉलो करो। फॉलोड बाय प्रोफेशनल्स, स्मॉल बिजनेसमैन लाइक बार्बर्स, पान शॉप्स, वेंडर्स एक्सेट्रा, ये लोग इसको कई लोग फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, दैट इज हाइब्रिड। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अच्छा, इस सॉल्यूशन में भी दिया हुआ मैंने। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका प्रकाश फर्नीचर्स का, मैंने एग्जाम्पल सॉल्व करके दिया हुआ प्रकाश फर्नीचर्स का। सप्लाईज यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, अपने एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज इनकम्स के लिए वो फॉलोइंग आपको इन्फॉर्मेशन देता है। एक एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस आपको पे कर दिए गए, कितने? 75,000 की। और इनकम रिसीव्ड हुई है 2,03,000 की। ठीक है, एक्सपेंसेस पेड हमने किए 75,000 के और इनकम रिसीव्ड हुई हमको 2,03,000 की, और हमने लोन लिए हैं 1,00,000 के, और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, जो एडवांस में दिए हैं वो इतने हैं 38,000। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम जो हमको रिसीव हो गई एडवांस में 25,000 की है। एक्सपेंसेस जो हमने अभी तक पे ही नहीं किए वो 23,000 के हैं। इनकम्स अर्न कर ली लेकिन रिसीव नहीं हुई वो 20,000 की है, और जो हमने लोन्स दिए हैं वो 20,000 के। ये आइटम्स हमने पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए पहले बताइए मेरे को। Everybody has read these items. सबने पढ़ लिए items? Yes sir. Yes sir. एक second जरा, just have, let me have something. एक second मैं पूछता हूँ भाई, नहीं है तो there's no point. आप लोग recording देख लीजिएगा, आप लोग class से फिर जा भी सकते हैं। Pal Jain, are you there in the class? Yes sir. नहीं, अगर मान लीजिए आपको कोई problem आ रहा है, आप नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आप exit कर लीजिए. And then you can watch the recording. If you are there in the class, I want responses. ठीक है, और नहीं है तो आप जा सकते हैं, मैं नहीं तो मैं exit करना start, आपको remove करना start कर देता हूँ। राशि, are you there in the class? और कोई response क्यों नहीं आ रहा है तुम लोग? Yes sir, I'm there. Misty, yes, are you there? Sir. हाँ नहीं, यस सर, बता रही कहाँ से आवाज लगा रही तुम, ये यू बी देयर एंड सिट देयर, कोई मम्मी बुलाए, कोई बुलाए, कहीं जाना नहीं है। यस सर, आई एम राइट हियर। बस और क्वेश्चन चाहिए मुझे पार्टिसिपेट। आराध्या, आर यू देयर? यस सर। हाँ लीशा, नानावटी के, एंड देन देयर इज अनदर लीशा आल्सो टुडे, नो लीशा सुमार, यस सर, बोथ ऑफ यू। अनवी, यस सर। हाँ आप इसको पार्टिसिपेट कीजिए, मैं जो पूछता जा रहा हूँ बताते जाएंगे फटाफट। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आपने सबने क्वेश्चंस पढ़ लिए, तो ये क्वेश्चन पढ़ लिया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने एक्सपेंसेस पे किए 75,000 की, तो इस 70 एक्सपेंसेस रिलेटेड तीन आइटम्स है, एक तो पेड है 75 और एडवांस आपने पे किया 38 और आपने एक्सपेंसेस पे नहीं किए 23 आपने पे नहीं किए। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ जरा, आपने 75 पे कर दिया, आपने एडवांस पे किया है 38 और आपने पे नहीं किया 23, तो मुझे बताइए 75 में 38 और 23 दोनों जुड़े हुए हैं कि दोनों जुड़े हुए नहीं है, या दोनों में से कोई एक जुड़ा हुआ नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट। 75 में 33 इंक्लूडेड है कि 23 भी इंक्लूडेड है,
कि दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है या दोनों में से एक इंक्लूडेड है एक नहीं है, कौन इंक्लूडेड है कौन सा नहीं, ये तीन चीज जुड़े एक्सपेंसेस से, कोई मुझे बता सकता है इस बारे में? सर एक इंक्लूडेड है, सॉरी एक इंक्लूडेड है, ओनली वन इज इंक्लूडेड, सॉरी एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। तो आपका ये कहना है लिशा सुमानी का कि इसके अंदर जो एक्सपेंसेस 75,000 है उस 75,000 हमने दिया है, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात यह है कि जब हमने एक्सपेंसेस 75 दिया और ये कह रहे हैं ये हमने एडवांस दिया तो 38,075 में इंक्लूडेड होगा, लेकिन लिशा का ये कहना है कि 23 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 23 तो दिए ही नहीं है, एंड शी इज राइट, वो सही कह रही है। तो पहली बात जब हमने 75 पे किया है और 75 आपको दूसरा स्टेटमेंट बोला है कि हमने 38 एडवांस दे दिया, तो भैया लिया है ना 75 पेड और 38 एडवांस, तो 75 इंक्लूड्स 38,000, मेरा ये कहने का मतलब ये 38,000 75 में इंक्लूडेड है और ये 23 तो दिए ही नहीं है तो 23 इज नॉट इंक्लूडेड। ये बात आपको क्लियर है कि नहीं है ये बताइए पहले मेरे को सबसे। यस सो क्लियर, यस क्लियर सर। हाँ अब दूसरी चीज रेवेन्यू की एक बार हम बात कर लेते हैं, रेवेन्यूज की। अब आपसे कहा जा रहा है इनकम रिसीव हुई 2,03,000 और जिसके अंदर इनकम एडवांस में रिसीव हो गई 25 और इनकम अर्न कर ली लेकिन रिसीव नहीं हुए 22, तो इस 2,03,000 में क्या इंक्लूडेड है क्या नहीं है? दोनों इंक्लूडेड है, दोनों में से कोई भी इंक्लूड नहीं है, क्या चीज बताइए? Sir, 25,000 is included and 22,000 is not included. Yes, यहाँ पर भी वही बात आ गई कि income received जब 2,03,000 दिया हुआ है और ये आपको advance मिल गया तो ये 25,000 23 में included है, लेकिन ये 22,000 included नहीं है। Is that okay? 22 included नहीं है, लेकिन 25 included है। Yes, sir. ये बात क्लियर है सबको? अच्छा दूसरी चीज ये है, ये दो आइटम जो दिए हैं ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं, इनका रेवेन्यू और एक्सपेंस से कुछ लेना देना है ही नहीं, और वो दो आइटम्स हैं हमारे ये वाले लोन्स वाले, लोन टेकन एंड लोन गिवन, इसका कुछ रेवेन्यू से मतलब ही नहीं है। हम लोन देते हैं किसी से, लोन लिया है हमने किसी को, हमारी रेवेन्यू होती है क्या बताइए? अच्छा एक कल बड़ा अच्छा एक पॉइंट आया, एक क्लास 12 का बच्चे कंफ्यूज हो गए, वो खैर थोड़ा सा अलग थे बच्चे बट फिर भी उसने बताया अगर हमने लोन लिया है तो ये हमारी रेवेन्यूज है कि एक्सपेंसेस है ये बताइए, या कुछ भी नहीं है या दोनों है क्या? कुछ भी नहीं है, क्यों नहीं है ये? व्हाई दे आर नॉट नाइदर एक्सपेंस नॉर रेवेन्यू लोन टेकन, क्यों नहीं है ना? वो रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस लायबिलिटी है। यस आपने लोन लिया है तो आपको लोन वापस करना है, लायबिलिटी है, लोन रख आपने रख थोड़ी लिया वो पैसा, क्या आपका ही हो गया? आपका ही हो गया तो रेवेन्यू हो जाती, आपका थोड़ी हो गया वो, आपको वापस करना है तो इट्स अ लायबिलिटी फॉर यू। और इसी ढंग से आपने किसी को लोन दिया है तो आप वापस लोगे ना उससे, वो उसको रखने के लिए थोड़ी दे दिया, भैया तेरे को लोन दिया तू मत देना मेरे को, तू अपने पास ही रख ले, ऐसा थोड़ी है। फिर आप उसको लोन क्यों बोल रहे हो? आप जब लोन बोल रहे हो कि हमने लोन दिया, आप किसी से कहते हो देखो तेरे को मैंने लोन दिया, तो वो समझता है सामने वाला लोन का मतलब क्या होता है, उसको वापस करना है, उसको रखना थोड़ी उस पैसे। That is the difference. Loan given में ये होता है। तो when you give loans, you have to take it back. तो वो आपके लिए एक्सपेंस नहीं हो गया, वो आपकी एसेट है, आपको वापस मिलेगी, और जब आप लोन लेते हो तो आपकी लायबिलिटी है। तो लोन गिवन एंड लोन टेकन आर नाइदर रेवेन्यूज नॉर एक्सपेंसेस, और जैसा कहा आराध्या ने कि लोन टेकन इज अ लायबिलिटी एंड लोन गिवन इज एन एसेट, इट इज नॉट रेवेन्यू इन एक्सपेंसेस। तो ये दो आइटम्स तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको कंफ्यूजन के लिए दिए गए हैं, आपको इन दोनों का इसमें कुछ भी नहीं करना है, नथिंग एल्स। बाकी आइटम से हमें काम है, इन दोनों से हमें कोई काम नहीं है, वी नीड नॉट टू डू एनीथिंग ऑफ दीस टू आइटम्स। अब हम देखते हैं एक्सपेंसेस पे, अभी थोड़ा सा मुझे ऊपर नीचे करना पड़ेगा, देखते हैं। अब हम ये मैंने एक स्टेटमेंट आपको बनाया है, इसको आप ये स्टेटमेंट ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि हमको टोटल रेवेन्यू निकालो, टोटल एक्सपेंस निकालो, फिर इनकम निकालो।
यहाँ पे लिखना चाहिए था मेरे को, which I have not written. Income of the year is equal to A minus B. What is A? A is total revenue. What is B? Total expenses. Total revenue निकाला ये, total expense निकाला ये, किस basis से? Cash basis से. तो 2,03,000 में 75 minus कर दिया, तो ये income आ गया. Accrual basis में ये total revenue निकाला, ये total expense निकाला. इसमें ये minus कर दिया, तो ये हमारी income आ गई. Hybrid basis में ये total revenue निकाला, ये total expense निकाला. इसमें से ये minus कर दिया, तो ये हमारा income आ गया. Is that okay? Yes. अब हम देखते हैं revenue expense निकाले कैसे. Let us try to see that. अब हम ये देखेंगे कि revenue expense, जैसे ये क्या कह रहा है, बड़ा सिंपल सा तरीका. ये क्या कह रहा है भाई, इतना कैश मिला, इनकम रिसीव्ड, और इतना हमने पे किया, बस खत्म बात. भूल जाओ प्रीपेड आउटस्टैंडिंग, 2,03,000 रिसीव हुआ, 38,000 पे किया, खत्म. अच्छा, तो ये सिस्टम कहता है कैश बेसिस 2,03,000 इनकम रिसीव्ड हुई और एक्सपेंसेस पेड हुए, 2,03,000 में 75 घटाओ और ये आपका आ गया रेवेन्यू, बस 1,20,000. एक्रुअल बेसिस क्या कहता है, अरे साहब ये 2,03,000 रिसीव तो हुए, लेकिन इसमें 75,000 एडवांस है और 22 तो मिले ही नहीं है अभी भी, तो हम क्या करेंगे, जो एडवांस है वो लेस कर देंगे, जो नहीं मिले वो ऐड कर देंगे, तो हमारी रेवेन्यू हो जाएगी 2,00,000. इज दैट ओके? यस सर. और एक्सपेंसेस कौन से होंगे एक्रुअल बेसिस पे, पे किए कितने, 75, जिसके अंदर 38 तो एडवांस दिए तो वो माइनस कर दो, और 23 अभी दिए ही नहीं है वो ऐड कर दो, तो 75 में से 38 माइनस 23 ऐड करेंगे तो टोटल एक्सपेंस हो जाएंगे 60, तो 2,00,000 में से हम 60 माइनस कर देंगे तो हमारी इनकम हो जाएगी 1,40,000. 1,40,000 की हमारी टोटल इनकम हो जाएगी. तो दैट इज एक्रुअल बेसिस. और हाइब्रिड क्या कहता है, हाइब्रिड कहता है कि इनकम को तो आप कैश बेसिस वाला ले लो, तो ये हाइब्रिड के अंदर ये कैश बेसिस वाला तो इनकम में आ जाएगा, और एक्सपेंसेस के अंदर वो कहता है एक्रुअल बेसिस वाला ले लो, तो एक्रुअल बेसिस का तो एक्सपेंस में आ जाएगा. तो ये हमारे हाइब्रिड के हिसाब से हमारी रेवेन्यू हो रही है 1,43,000. तो हाइब्रिड के अंदर रेवेन्यू तो कैश बेसिस का लेंगे और एक्सपेंसेस एक्रुअल बेसिस का लेंगे, तो वो हमारे पास इनकम ऑफ द ईयर आ जाएगा. ठीक है, दिस इज द अदर बेसिस. इसके अंदर कोई क्वेश्चन है किसी को पूछने का? यस सर, वन क्वेश्चन. यस सर, आउट ऑफ हाइब्रिड एंड एक्चुअल, एक्चुअल इज मोर एक्यूरेट. यस, इट इज एट पार ना. वो देखिए ये क्या होता है कि हाइब्रिड इज वेरी वेरी कंजर्वेटिव, वेरी कंजर्वेटिव मैंने बहुत ही डर के सोच समझ के चलने वाला सिस्टम. वो कहता है भाई रेवेन्यू तो नहीं मानूंगा जब तक नहीं मिलेगी, लेकिन एक्सपेंसेस मान लूंगा. एक्रुअल कहता है यार ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ये गलत हो जा रहा है ना. ऐसा नहीं कि आप रेवेन्यू को तो मान रहे हो, एक्सपेंसेस को नहीं मान रहे हो. काइंडली कंसिडर एक्सपेंसेस ऑल्सो, सॉरी रेवेन्यूज ऑल्सो. अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मैं आपको एक चीज और बता दूं, सर्विस इंडस्ट्री, अगर आप सर्विस देते हैं तो मैं आपको वो चीज क्लियर कर देता हूँ. सर्विस आप देते हैं तो आप चाहे कैश बेसिस फॉलो करो चाहे एक्रुअल बेसिस फॉलो करो चलेगा, लेकिन आप गुड्स बेचते हैं तो गुड्स के अंदर तो ये एक्रुअल ही चलाना पड़ेगा, कैश बेसिस चलेगा ही नहीं, कैश बेसिस चलेगा ही नहीं. मैं उसका आपको एक रीजन देता हूँ, चल ही नहीं सकता, वो फेल हो जाएगा, सिस्टम ही फेल हो जाएगा. हमने मैं आपके वही अकाउंट एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, सॉरी एसेट्स प्लस एक्सपेंस इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू. मेरे पास कुछ सामान है, गुड्स है बेचने के लिए, मैंने गुड्स बेच दिए और पैसे नहीं आए, तो गुड्स तो माइनस कर दिए. अब क्या करूं, क्या लॉस कर दिया मैंने, जल गए, वो तो पैसे मिलने हैं ना उससे, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे डेटर्स में ऐड करना चाहिए ना, उससे लेने हैं पैसे. तो ये एक्रुअल बेसिस तो ये कहता है. कैश और हाइब्रिड क्या कहता है भाई, यहां तो माइनस कर दो क्योंकि गुड्स तो गए, माइनस तो करना पड़ेगा भाई, गुड्स तो कम हो गए ना हमारे, वो तो माइनस करना पड़ेगा.
लेकिन पैसे तो आए नहीं, तो अब क्या करो, उसको क्या लॉस मानू मैं? तो हाइब्रिड इस मामले में कंफ्यूज है, कैश बेसिस कंफ्यूज, लॉस मान वो कह रहा है लॉस तो नहीं है, लेकिन हम रेवेन्यू भी नहीं मान सकते उसको, डेटर भी नहीं मान सकते, अरे भाई तो क्या करें हम उसका, दैट इज अ प्रॉब्लम। भाई गुड्स बेचे उधार में तो डेटर तो मानना ही पड़ेगा, बिना उसके काम कैसे चलेगा, वी हैव टू कंसिडर इट इज डेटर। तो ये हाइब्रिड में और कैश के अंदर ये प्रॉब्लम है, स्पेशली इन गुड्स केस, गुड्स के अंदर ये सिस्टम चल ही नहीं सकता। जब हम कुछ सामान बेचते हैं वहां पर, सर्विसेज बेचते हैं तो वहां चल जाएगा, चलो सर्विसेज दिख नहीं रही है, तो जब हम सर्विसेज बेचते हैं, आपको आपको वैसे भी ध्यान होगा, जब हम सर्विसेज बेचते हैं तो जब हम सर्विसेज बेचते हैं तो कोई गुड्स वुड्स में से तो माइनस करते नहीं है, हम सर्विसेज बेचते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कैश में ऐड कर देते हैं और रेवेन्यू में ऐड कर देते हैं। अब हमने सर्विसेज उधार में बेची है तो भाई हम डेटर में ऐड नहीं करेंगे, डेटर में और फिर रेवेन्यू में भी नहीं ऐड करेंगे, तो वो चल जाएगा, लेकिन सर्विसेज तो बेची दी ना। लेकिन गुड्स के केस में क्या करें, गुड्स तो माइनस करना पड़ेगा, फिर और क्या करें उसको, और क्या करें उसका, कुछ अफेक्ट ही नहीं है दूसरा। तो इस वजह से हमारा जो ये सिस्टम है एक्रुअल बेसिस, ये गुड्स के केस में तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, हमें एक्रुअल ही फॉलो करना पड़ेगा। इज दैट ओके? यस सर। यस यस सर। और अब ये आपके पास दो क्वेश्चन से अनसॉल्व हैं, इनको आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है? और ये मुझको आपको भेजना रहेगा। मैंने आपके पास एक सॉल्व किया है प्रॉपर सिस्टम से, टेबल वगैरह बना के आप कायदे से उसको दिखाइए। इसके अंदर सिर्फ कैश और एक्रुअल बेसिस बोला गया है, इसके अंदर कैश और एक्रुअल बेसिस ही बोला गया, हाइब्रिड पूछा नहीं मैंने, लेकिन ठीक है मैं इसमें चेंज कर दूंगा, मैं हाइब्रिड भी पूछ लूंगा, मैं क्वेश्चन में चेंज करके आपको भेजता हूँ, और आपको ये तीनों मुझे बना के भेजने हैं। अभी मैंने आपको कैश और एक्रुअल बेस, और इसके ऊपर मैं आपको वो भी भेजने वाला हूँ, ऑनलाइन असेसमेंट भी भेजने वाला हूँ जो मुझको चाहिएगा, ठीक है? आज ही ये आप खत्म कर देंगे, आज शाम तक मुझे सबसे चाहिएगा ही चाहिएगा, मैं डाल दूंगा। अब ये बताइए फिर, मैं थोड़ा सा मुझे एक चीज और आपसे डिस्कस करनी है, टेक 10-15 मिनट्स मोर, ठीक है? अभी तक जो मैंने आपको बताया इसमें किसी को कोई चीज पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नो सर। ओके ठीक है, मैं पॉज कर रहा हूँ एक सेकेंड के। मैंने आपसे लास्ट टाइम एसेट्स वगैरह के बारे में बात की थी और गुड्स, ये टॉपिक मेरा हो गया है तो मैं चली जाऊँ दूसरी क्लास। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स ये भी मैं बात करता हूँ आपसे, सबसे पहले मैं वो रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं रिसीट्स के बारे में। रिसीट्स क्या होती है, व्हाट आर रिसीट्स, जो बिजनेस को मिल रहे हैं। रिसीट्स आर बेसिकली दिस इज द इनफ्लो, बिजनेस में इनफ्लो हो रहा है, कुछ आ रहा है। नॉर्मली रिसीट्स टर्म इज यूज टू डिनोट इनफ्लो ऑफ कैश और रिसीवेबल्स। कैश और रिसीवेबल का मतलब होता है क्या, कैश क्या होता है, कैश आया, पैसा आया। रिसीवेबल माने प्रॉमिसेस आए, सामने वाले ने वादा किया कि आपको पेमेंट करेगा, तो रिसीवेबल्स आर दैट। रिसीवेबल्स मींस यू आर अबाउट टू रिसीव और यू आर गोइंग टू रिसीव, दैट इज रिसीवेबल, ठीक है? ये आपको रिसीव करना। बिजनेस में गेट रिसीट्स, बिजनेस के बाद रिसीट्स कैसे आ सकती है, सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज। दूसरा, या आपने कोई मशीनरी बेची, फर्नीचर बेची, लैंड बेची, बिल्डिंग बेची, उससे भी आ सकती है। या रिसीट्स कैसे आ सकती है, लोन, टेकिंग लोन्स, और या आपको डेटर्स जिनको आपने उधार में बेचा था पहले उनसे आपको पेमेंट्स मिल रहे हैं, उससे भी आ सकती है आपको, ठीक है? तो ये सब चीजें आपको रिसीट्स हो सकती है। आपने पहले किन्हीं को उधार में सामान बेचा, अब उन्होंने पैसा दे रहे हैं, तो भी रिसीट्स होती है। तो रिसीट्स आपकी जो भी आपको मिल रहा है इस टाइप से, रिसीट्स इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, ये हो गया। अब रिसीट्स फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए रिसीट्स क्या क्या होती है, भाई आपके लिए क्या कहता है, कोई सामान खरीदता है तो रिसीट करता है, सेल ऑफ गुड्स, लोन टेकन, तो सारी रिसीट्स हैं आपके, दीज आर ऑल रिसीट्स, यू रिसीव देम। अब जैसे सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है बच्चा, सर इफ आई गिव बनानास फॉर एप्पल, वो बार्टर की बात कर रहा है, देन इज देयर रिसीट्स, तो रिसीट्स हैं क्या? वाओ, है ना? वो कहते हैं कि यस, वैल्यू ऑफ एप्पल्स यू रिसीव विल बी योर रिसीट। तो आप क्या कर रहे हो,
आप बनाना दे रहे हो और एप्पल रिसीव कर रहे हो, बार्टर में भी रिसीट्स हो सकती है, ठीक है? तो जो आप एप्पल रिसीव कर रहे हैं उसकी जो है रिसीट्स है, वो भी आपकी रिसीट्स है। रिसीट्स डज नॉट मीन इन कैश, इट कैन बी इन काइंड आल्सो। रिसीट्स दो तरह की होती है, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स किसको कहते हैं? सेलिंग एसेट्स और बोरोइंग्स। आपने कोई एसेट बेची और लोन लिया बोरोइंग की, तो कैपिटल रिसीट्स। और ये इनकी खास बात क्या होती है, बिजनेस में रेगुलरली नहीं होते, मतलब ऐसा नहीं कभी कभार होते रेगुलर। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आपकी जो सेल है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो आपकी रेवेन्यू रिसीट्स है। और ये रेगुलर ट्रांजेक्शंस होते हैं, आप अक्सर करते रहते हैं। कैपिटल रिसीट्स में दीज आर अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स, आपके एसेट्स बेचने के लिए या लोन लेने के लिए जो आपको अमाउंट मिलता है वो कैपिटल रिसीट्स है। आपने मशीनरी बेची, फर्नीचर बेचा, वो कैपिटल रिसीट्स है। द अमाउंट रिसीव्ड ऑन लोन, आपने लोन रिसीव किया, वो कैपिटल रिसीट्स है, ये नॉन रिकरिंग। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है? दीज आर अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज आपने बेची है उसके लिए ये आपकी जो है रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। दीज आर रिसीट्स ड्यू टू नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से रिसीट्स हो रही है। और इसका अफेक्ट क्या होता है, ये बिजनेस का प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करती है। एंड दे आर रेकरिंग इन नेचर, ये रेकरिंग है, ये होती रहती है आपकी, ठीक है। दे कीप ऑन हैपनिंग, ये बिजनेस में होती रहती है। दीज आर रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। अब रेवेन्यू रिसीट्स के कुछ और डिफरेंस है कैपिटल रिसीट्स के अंदर। दीज रिसीट्स अराइज ड्यू टू नॉन रिकरिंग एक्टिविटी, ये ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो हमेशा होने वाली, कभी कभार होने वाली। एंड दे आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंसी भी इनकी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है? दे अराइज ड्यू टू रिकरिंग एक्टिविटीज होती है और दे आर वेरी फ्रीक्वेंट इन नेचर, मतलब अक्सर ही होंगी। बिजनेस के अंदर रेवेन्यू रिसीट्स तो अक्सर होगी ना, मिलेगा ही मिलेगा आपको पैसा, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे, ये इलस्ट्रेशन से समझाने की कोशिश की गई है, ये क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ एक्सपेंडिचर्स पे। एक्सपेंडिचर उल्टा है, वो जा रहा, आउटफ्लो है। दे डिनोट कॉस्ट्स इनकर्ड, वो हमारी कॉस्ट इनकर्ड, खर्चा जो लगा, इनकर हुए हम, या लाइबिलिटी इनकर्ड, या हमने कॉस्ट या तो पैसे दे दिए या हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी चढ़ गई है, मतलब वी हैव अज्यूम्ड, अभी तक हमारे पास नहीं थे, हमको देना ही नहीं था, हम किसी शॉप पे गए, हमने कुछ सामान खरीदा, पैसे नहीं दिए, तो लाइबिलिटी आ गई हमारे ऊपर। जब हम शॉप पे गए नहीं थे, हमने कुछ सामान खरीदा, लाइबिलिटी थी नहीं, तो वो एक्सपेंडिचर हो गया। हमने किसी से कुछ सर्विसेज ले ली और उसको पेमेंट नहीं किया, तो हमने लाइबिलिटी ले ली अपने ऊपर। और जब तक हमने सर्विसेज नहीं ली थी, वो लाइबिलिटी थी नहीं हमारी। अब बिजनेस कैन एक्रू एक्सपेंडिचर्स, बिजनेस में एक्सपेंडिचर्स कैसे हो सकते हैं? परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सकते हैं, परचेज ऑफ एसेट्स लाइक मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग एटसेट्रा हो सकते हैं। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी के बिल का पेमेंट, टेलीफोन बिल का पेमेंट, सैलरीज टू स्टाफ एटसेट्रा, ये सब हमारे एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर के एग्जांपल है। गुड्स खरीदना, मशीनरी खरीदना, फर्नीचर खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, पेमेंट करना इलेक्ट्रिसिटी का, सब एक्सपेंडिचर है एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में समझाया गया है कि हम जब करता है गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज को हम पैसा दे रहे हैं, किसी दूसरे से सप्लायर से सामान ले रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ऑल दीज आर। दे कैन बी कैटेगराइज एज अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर किनको कहते हैं? अगर कोई ऐसा पेमेंट हमने किया है जो हमारी एसेट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है, या हमारी कोई एसेट बढ़ा रहा है, हमारी कोई एसेट सारी हमारी बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, मशीनरी खरीद रहे हैं, लैंड बिल्डिंग खरीद रहे हैं, और ये जनरली ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ऐसी वैल्यू होती है जिनकी वैल्यू हायर होती है और जिनका बेनिफिट जो है एक साल से ज्यादा मिलता है, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स हमारे कैपिटल एक्सपेंसेस कहलाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स माने ये एक्सपेंसेस हायर वैल्यू के होते हैं और ये मशीनरी खरीदने के होते हैं, परचेज ऑफ लैंड है, बिल्डिंग है, ये सारी चीजें, ठीक है। हाँ माई, बोलिए बेटा, क्वेश्चन क्या है आपका? सर, जो रिपेयर्स ऑफ मशीन्स एंड ऑल, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर? नो, रिपेयर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिपेयर मेंटेन द एसेट।
अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं माही, एज यू हैव आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड यू आर पार्टिसिपेटिंग एट लीस्ट, दैट्स नाइस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मशीनरी का एक मैंने फोटो यहां पे दिया हुआ है आपको, एक इमेज आप देख रहे हैं मशीनरी की। मैं इस मशीनरी में कुछ रिपेयर करता हूं जिससे मशीन सही से चले, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन मैं इसमें कोई ऐसी बड़ी रिपेयर करता हूं जिससे मशीन की लाइफ बढ़ जाती है या मशीन की प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ जाती है या मशीन और फास्ट चलने लगती है, मतलब फास्ट चलने की कैपेसिटी बढ़ेगी। पहले 1000 यूनिट प्रोड्यूस करती थी, एक दिन के अंदर आप 1500 यूनिट प्रोड्यूस करें, ऐसी रिपेयर कराइए कोई। तो ऐसी कोई मेजर रिपेयर है जो एसेट की वैल्यू को बढ़ा, आप प्रोडक्शन ज्यादा कर पाएगी मशीन, मशीन की लाइफ बढ़ जाएगी तो एसेट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो ऐसी कोई रिपेयर है तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। लेकिन ऐसा कोई रिपेयर है जो जस्ट एसेट को मेंटेन करता है, वो एसेट को सिर्फ और सिर्फ मेंटेन करता है, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ाता, बस उसको जहां है वहीं बनाए रखता है ना, मेंटेन करता है कि एसेट चलती रहे। अभी 1000 का प्रोडक्शन कर रही यूनिट्स का, तो 1000 का करती रहे, थोड़ा बहुत 19-20 होगा बट करती रहे, उसको चलती रहे जब तक उसकी लाइफ बढ़ा नहीं दी, बस उसके लाइफ को मेंटेन किया। ऐसा कोई एक्सपेंडिचर है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। ओके सर, गॉट इट, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल मुझे याद आया, ऐसा एग्जांपल बुक्स में दिया हुआ है, एक मूवी थिएटर है, हॉल है, थिएटर हॉल है, ऐसा मान लीजिए उसने अपनी सीटिंग कैपेसिटी उसके 550 सीट्स की है, उसने बढ़ा के 600 सीट्स कर दी, तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। क्यों? क्योंकि पहले 550 टिकट बेचते थे, अब 600 टिकट बेच पाएंगे, उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, उनकी कैपेसिटी बढ़ गई, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, उनकी प्रोडक्शन करने की, वो प्रोडक्शन ऐसे थिएटर प्रोडक्शन क्या कर रहा है, जो सर्विसेज दे रहा है, 550 लोगों को एक साथ बैठा सकता है, अब 600 को बैठा पाएगा, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन सीट कुछ फट गई, खराब हो गई, उनको चेंज किया, बदला कवर, बदला उसका, ठीक है, थोड़ा सा अपहोल्स्ट्री उसकी जो कुशनिंग है वो चेंज की, हॉल के अंदर कारपेट वगैरह ठीक किया, वॉल ठीक किया, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कोई उसकी वैल्यू नहीं बढ़ा रहा, ये मेंटेन कर रहा है, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यूज एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको हम एक्सपेंस भी कहते हैं, ये अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करते हैं, ये स्मॉलर अमाउंट के होते हैं, ये एक साल से ज्यादा नहीं चलते, इनमें इंटरेस्ट, रेंट, सैलरी, ये सब आते हैं, दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एक और एक्सपेंडिचर है कि हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन दोनों से थोड़ा सा रेवेन्यू नेचर का है, लेकिन उसको हमने रेवेन्यू एक साल में रेवेन्यू नहीं माना, उसको धीरे धीरे रेवेन्यू मान रहे हैं, धीरे धीरे रेवेन्यू मान रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हमने रेवेन्यू में इतना बड़ा खर्चा कर दिया कि हमको लगता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एक बात और है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम एक साल के अंदर ही अंदर उसको एक्सपेंस मान लेते हैं, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम एक साल से ज्यादा चलाते हैं, वी कंसीडर फर्दर। लेकिन कुछ ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जो हम बड़े, बहुत बड़े अमाउंट के कर देते हैं और हम कहते हैं भैया इसका फायदा एक साल नहीं, एक साल से थोड़ा ज्यादा होगा, तो इसको एक साल में तो नहीं रखते, इसको 2-3 सालों में मान लेते हैं, लेकिन है ये रेवेन्यू है, कैपिटल नहीं, रेवेन्यू है, लेकिन इसको फिर भी 2-3 सालों में मानेंगे। ऐसे एक्सपेंसेस को हम जो है वो डेफर्ड रेवेन्यू मानते हैं। ये एक्सपेंसेस बेसिकली अगर हमने इनको राइट ऑफ नहीं किया है, क्लोज नहीं किया, तो ये फिक्टिशियस एसेट्स कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड एज फिक्टिशियस एसेट्स भी कहते हैं। और ये ऐसे खर्चे होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है जो सबसे ज्यादा दिया जाता है कि हमने एडवर्टाइजिंग पे बहुत लंबा खर्चा कर दिया। इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल मैं आपको फिर से दे रहा हूँ कि मान लीजिए मुझे कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, और मैं उसके लिए कोई फिल्म स्टार्स वगैरह को बुलाता हूँ, और फिल्म स्टार्स को तो मैं हर साल तो बुला नहीं सकता, उनको लाखों रुपए का खर्चा है ना, वो हो सकता है एक दिन आने का वो 10 लाख रुपए ले लें, 15 लाख ले लें, 5 लाख ले लें, 25 लाख ले लें, डिपेंड करता है कितना बड़ा स्टार है ना, और उसके ले लें, और वो पता चला कि मैं हर साल थोड़ी बुला सकता हूँ, मैं तो एक बार बुलाया उनको, और वो जो है मैं उसको उस एड को, उनको जो फोटो वोटो है, वो प्रमोशन की जो सब बनी है, वो मैं 2-3 साल तक चलाता हूँ, तो ये डेफर्ड रेवेन्यू। एडवर्टीजमेंट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट करने से कोई बिजनेस की वैल्यू तो बढ़ नहीं रही है,
या उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है. एडवर्टीजमेंट हेल्प्स यू टू गिव मोर सेल्स, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. लेकिन ये ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसको हम 2-3 सालों तक स्ट्रेच कर रहे हैं, तो ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. और ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नाम है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट. आप अगर कभी ये टर्म कभी आपके पढ़ने में आए, सस्पेंस, हमने उसके आगे सस्पेंस लगा दिया, उसको एडवर्टीजमेंट नहीं कहा, सस्पेंस. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट इज एन एग्जांपल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और वो फिक्टिशियस एसेट मानी जाती है. फिक्टिशियस, जिसकी कोई फ्यूचर वैल्यू नहीं है, हम उसको बेच नहीं सकते, हम उसको कर नहीं, वो दिखाए ऐसे जब तक, दैट इज हाउ इट इज, ये फिक्टिशियस एसेट कहलाते हैं. तो ये दो तरह के एक्सपेंसेस है जो आपने पूछा था. कैश बेसिस के अंदर रेवेन्यू और कैपिटल का तो कोई डिफरेंस होता ही नहीं है, कैश बेसिस तो सबको एक्सपेंसेस मान लेता है. Accrual basis revenue और capital का difference करता है. Accrual basis दोनों का difference करता है. ठीक है? तो ये कुछ questions हैं. ये आपको sheet सब थोड़ा सा पढ़ना है. ये sheet अब आप मैंने देखिए main चीजें मैंने आपको बताई हैं. अब इसके अंदर थोड़ा सा confusion आपको आएगा. और ये आपको अब पढ़ना है. मैं अभी कुछ दिनों में आपका एक schedule बनाने वाला हूँ. Where and I will be taking your live tests Viva. मैं पूछूंगा questions आपको बताना रहेगा. और वो एक शीट से भी होगा और दूसरी से भी होगा, मुझे वो चाहिएगा. और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन दूंगा ऑन द स्पॉट, वहीं आपको करना रहेगा. आई विल मेक अ शेड्यूल, वो मुझे करना है. ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज ये है कि एक चीज मुझे कहनी है कि अब मुझे एक आज जो टॉपिक मैंने आपके बच रहे हैं, वन इज आई हैव टू एक्सप्लेन यू जीएसटी और वाउचर्स, इनके लिए मुझे एक सबकी कंबाइंड क्लास लेनी है. तो इवनिंग के अंदर कुछ बच्चों की क्लासेस होती है. अब आप बताइए कि लेटेस्ट वो क्लास कितने बजे होती है. वो हम मैं 6 o'clock लूँ तो सूट करेगा, 6:30 लूँ तो सूट करेगा, कि मैं 7 o'clock लूँ तो सूट करेगा. सर बताए मेरे को. 6 to 7 नहीं, 6 to 7 में आती है. राशि तुम्हारी कितने बजे रहती है, क्लास खत्म होती है शाम को? सर 6:45 नहीं, तुम घर पहुँचती है, तुम वहाँ जाती हो अटेंड करने, तो बाय द टाइम. हाँ, आदित्य राठौर तुम्हारी भी इवनिंग को रहती है क्लास? आदित्य राठौर है ही नहीं क्लास के अंदर. ठीक है, सर संडे नहीं रहती है. नहीं संडे नहीं रहती ना, मुझे वो मैं सोच रहा था वीकडेज में हो जाए तो पॉइंट खत्म हो जाए, नहीं तो संडे को तो खैर रख ही सकते. ओके, एनीथिंग एल्स? ये हमारा सेशन यहाँ पे आज एंड होता है, इसको मैं एक बार पॉज.